डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शाखा गोरखपुर का द्विवार्षिक चुनाव अधिवेशन शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर के प्रांगण में सकुशल संपन्न हुआ। अधिवेशन में प्रांतीय महामंत्री डॉ. श्रवण सचान, प्रांतीय कोषाध्यक्ष डॉ. सेवानिवृत्त चीफ फार्मासिस्ट डॉ. डीपी दीक्षित, डॉ. ओपी पांडे, राम मिलन पांडे और डॉ. जीपीएन पांडे मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला चिकित्सालय प्रमुख अधीक्षक डॉ. अभय चंद्र श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा फार्मेसी संवर्ग के कार्य एवं उनके सेवा भावना की सराहना करते हुए पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा फार्मेसी संवर्ग वेतनमान सुधार, पदोन्नति, पेंशन आदि में किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। अधिवेशन के पश्चात डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अध्यक्ष डॉ. उमेश पांडे द्वारा वर्तमान कार्यकाल भंग की गई। तत्पश्चात प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक डॉ. विजय प्रताप सिंह तथा चुनाव अधिकारी डॉ. संजय पांडे द्वारा पदाधिकारियों का चयन किया गया। सभी पदों के लिए सर्वसम्मति से निर्विरोध पदाधिकारी चुने गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर डॉ. उमेश पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर डॉ. सत्येंद्र त्रिपाठी, उपाध्यक्ष डॉ. ब्रजेश गुप्ता, मंत्री डॉ. डीके सिंह, संयुक्त मंत्री डॉ. दिलीप गुप्ता, संगठन मंत्री डॉ. संतोष सिंह, कोषाध्यक्ष नित्यानंद, संप्रेक्षक वीरेंद्र प्रताप चौधरी और मीडिया प्रभारी के पद पर डॉक्टर मोहम्मद फारूक को निर्विरोध चुना गया। इस दौरान चुनाव अधिकारी द्वारा निर्विरोध चुने गए सभी पदाधिकारियों को अपने दायित्वों का निष्पक्ष पालन करने के लिए शपथ दिलाई गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंत्री डॉक्टर डी के सिंह, अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पांडे और प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर श्रवण सचान ने कहा, तो उनका प्रयास होता है। सभा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कोई बने, लेकिन जब तक संगठन एक नहीं होगा, जब तक आप सब एक होकर काम नहीं करेंगे, तब तक अधिकारी घुमाता रहे। और इसका वजह यही है कि आप सब पहले अब नहीं था, अब पहले था, अब नहीं है, अब तो फार्मेसी पदाधिकारी हो गया। तो इसको एकता बनाए रहिए और इसी में हमारी आपकी बदलाव गोरखपुर, विशेषकर गोरखपुर जनपद के फार्मासिस्टों को मैं सादर अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ, आपकी कभी समस्या आई पे नहीं करेगी। आपको याद होगा कि हर कई अधिवेशन में बाबा जी आके यहाँ पर उद्घाटन किए थे, तो कोई समस्या आने नहीं पाएगी, मुख्यमंत्री से बड़ा कौन होगा। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप मुख्यमंत्री जी के जनपद में हैं और यहाँ पर समस्या नाम की कोई चीज है। सभा को संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे निवर्तमान अध्यक्ष परम आदरणीय पीडी चौधरी साहब को। सही भी है, इतना बड़ा प्रदेश है, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो जिम्मेदारी हमारे गोरखपुर के लिए सौभाग्य है। ये देश में मोदी जी और यहाँ योगी जी, ये पूरे देश के लिए इस समय है कि भ्रष्टाचार का समापन धीरे धीरे हो रहा है। ऐसे मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ, ये गोरखपुर जनपद पूरे प्रदेश में नंबर एक का रहा है और हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते रहा है, चाहे जो मंत्री बना हो, मुख्यमंत्री बना हो, यहाँ के मुख्यमंत्री भी बहादुर जी भी थे, स्वर्गीय, उन लोगों ने भी गोरखपुर का बहुत विकास किया था अपने जमाने में। आज योगी जी हमारे लगे हुए पूरे प्रदेश का विकास करने में, और मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आप जिला चिकित्सालय गोरखपुर में जो कुछ भी थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं जो पटरी से उतरी हुई थी, उसको पटरी पर लाने का आप बहुत उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। मैं इसके लिए आपको पांडे जी का अपने और हमारे वहाँ बहुत बहुत बधाई है दादा। संगठन मंत्री के लिए संतोष सिंह जी, बहुत बहुत बधाई हो। अब यार दो, अब इतने धीमे धीमे बधाई हो भाई, यही लोग जुझारू है। इधर देखिए, इधर सब लोग हो गया, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए।
कामना करता हूं कि आज अपने पद पर निर्वाचित होते हुए पद के सभी नियम एवं शर्तों को संविधान के अनुरूप निर्वहन करता रहूंगा। संगठन के सभी पदाधिकारियों सभी सदस्यों का पूर्ण सम्मान करूंगा। विधि द्वारा स्थापित संविधान के सभी नियमों का सशर्त पालन करूंगा एवं निष्ठा से कार्य करता रहूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। मैं डीके सिंह हूं। मैं छठवीं बार डिप्लोमा फार्मेसी स्टेशन गोरखपुर का मंत्री चुना गया। ये देखिए, हमको इस जनपद के सदस्यों ने बहुमत से इस बार छठवीं बार मुझे इस जनपद का डिप्लोमा फार्मेसी स्टेशन का मंत्री चुना है और मैं सर्वप्रथम अपने सभी सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि पुनः मुझे इस योग्य समझा गया। और हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि जो भी हमारे सदस्यों की ग्रीवांसेज हैं, चाहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पे हैं या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के स्तर पे या मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के स्तर पे, इनको प्रमुखता से उठाना है और उनका कार्य कराना है। हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि हमारे अधिकारियों द्वारा हमारे इन सदस्यों का किसी भी स्तर से शोषण ना हो और जो हमारे सदस्यों की भावनाएं हैं उसको अपने प्रांतीय पदाधिकारियों तक पहुंचाना और उस पर प्रभावी कार्यवाही कराना, ये हमारी रणनीति रहेगी। उमेश पांडे, डीपी अध्यक्ष गोरखपुर। जनपद गोरखपुर में जो ये निर्विरोध कार्यकारिणी गठित की गई है, ये सब सभी सदस्यों की एकता और अखंडता को जोड़ने के लिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया है। इसके लिए मैं सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके ग्रीवांसेस को उनके सुख दुख में हमेशा 2 साल तक कार्य किया है और आगे भी करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं अध्यक्ष नहीं हूं, हमारा प्रत्येक जनपद का एक से एक सदस्य अध्यक्ष है। मेरा श्रवण कुमार सच्चा नाम है। मैं डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश महामंत्री हूँ और मैं इस कार्यक्रम में यहाँ भाग लेने आया था और मेरे समक्ष ये निर्विरोध कार्यकारिणी निर्वाचित हुई है। गोरखपुर जनपद शाखा का 2 वार्षिक अधिवेशन अबलिक चुनाव संपन्न कराया गया है, जिसमें पूरे जनपद के सभी सदस्यों ने निर्विरोध कार्यकारिणी का चुनाव किया है ताकि जनपद की समस्याओं के लिए हमारे साथी जो पदाधिकारी चुने गए हैं वो हमेशा सदस्यों के समस्याओं के लिए तत्पर रहें और उनके अनुरूप कार्य करें।